जेएसपी के, ये 10 घंटे का ज्वारी प्लस मूंगफली जो प्लॉट है, अभी ये खुरदा स्टेज पे आया है ज्वारी और बहिमुख फली भरने की अवस्था में है। ज्वारी तो कम नहीं निकलेगी, एक थम को तीन चार भुट्टे आए वाले हैं और उसमें खाली जीवामृत गहन जीवामृत एक ही स्प्रे नहीं किए वाला है, स्प्रे की कोई ज़रूरत ही नहीं मिली। अभी एक 15 दिन से मूंगफली हार्वेस्टिंग को आएगी, जय स्पीके। सुभाष पाळेकर कृषीमध्ये घेतलेला आपण थोडे प्रमाणामध्ये कांदा 10 गुंठे लागवड केले, कांदा आपण कापूस उपटून प्रत्येक पाण्यासोबत आपण जीवामृत दिले यासाठी। मालदांडी ज्वारी पण पेरलेली आहे आपण आंतरपीक म्हणून, बेडवरती पहिले अद्रक होती, ही आपली मालदांडी ज्वारी। बनशिगाव पण पेरलेला आपण थोडे प्रमाणामध्ये आंतरपीक म्हणूनच, कपाशीमध्ये पाणी कमी असल्यामुळे सरी अडसरी, यासाठी पण आपण जीवामृत दिले पाण्यासोबत। दगडी ज्वारी पण आपण त्याच पद्धतीने केले, कापसामध्ये आंतरपीक, कापूस एक सरी अडसरी, ही दगडी ज्वारी आपली। सुभाष पाळेकर कृषीमध्ये आपण थोडे प्रमाणामध्ये भाजीपाला पण केलाय, तो पण याच पद्धतीने आंतरपीक म्हणून, तंबाटी, काकडी, गिलके एक सरी अडसरी, कापसामध्ये गोबी पत्ता गोबी, यासाठी पण आपण जीवामृत दिले, डांगर, फुलकोबी, वांगे, मुळे, बटाटे थोड्या प्रमाणामध्ये, रेन पाईपवरती लागवड केली, कांदा बी, लसूण पण लागवड केली आपण, त्यासाठी प्रत्येक पाण्यासोबत जीवामृत, सुरुवातीला लावतीलाच गंजी अमृतचा वापर केला होता।
प्रत्येक आमुष्याला विस्फोरणी अर्थच फवारणी केली यासाठी. सुभाष पाळकर कृषीमध्ये घरी खाण्यासाठी आपण एक गुंठ्यामध्ये फळझाड लागवड केली या पद्धतीने. नारळ, पेरू, अंजीर, डाळिंब, संत्री, चिकू, गावरान पपई, सफरचंदचे पण झाड लागवड केले आपण. दोन वर्ष लागवड करून झाले झाडांना. यावर्षी फुलं पण धरलेली त्यांनी आणि एक सफरचंद पण आले. हार्मन 99 ही व्हरायटी आहे. एक पण झाड इकडं संत्री, चिकू, मोसंबी, शेवगा, पुदिना, नमस्कार साथियों, संजीवनी नेचुरल फार्म्स माखन नगर जिला नर्मदापुरम से मैं पराग खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हल्दी है, तो ये हल्दी का प्रोडक्शन आ चुका है. साथी को इसके बीज चाहिए या हल्दी पाउडर चाहिए, वो जल्द से जल्द संपर्क करें. हल्दी पाउडर के लिए लगभग 8-10 दिन का समय लगेगा, पर बीज अभी उपलब्ध है. जय सूर्यदेव की जय हो. पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर की जय हो. मेरा गांव नारा, जिला पानीपत, हरियाणा, नासिक में 13-14-15 मई शिविर किया गुरुजियों का, और उसके बाद ये खेती एक एकड़ में शुरू करी. एक साल पहले कुरुक्षेत्र दयाग सीख के यही एसपी के पहले गिरे है, और एक एकड़ में अब की बार बढ़ाया है. नाम रिचंद, मोबाइल नंबर 98-96-80-68-04, गांव नारा, ब्लॉक मतलोडा, जिला पानीपत, हरियाणा. 5 एकड़ का किसान हूँ और 1.5 एकड़ में शुरू किया है. आगे 1 एकड़ और बढ़ाऊंगे. अब की बार बाग हर तरह का पौधा लगाना है, जंगल मॉडल फॉरेस्ट खड़ा करना है. परमात्मा गुरु जी की कृपा बनी रहो.
इसमें कोई घाटा कोई कमी नहीं है, पहले साल उत्पादन अच्छा रहता है सभी किसान भाइयों को। राम राम जी, राम राम जी। पद्म श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, सत सत नमन। ये सुभाष पालेकर कृषि का आलू है और ये अक्टूबर की बुआई है। इसमें एक आलू का वजन 620 ग्राम, ये आलू है। कैमरे मन लवी नहीं, दूर से आवा है। नजदीक से देखा ये देख लिया, आलू रखा है और 620 ग्राम का है केला। ये सुभाष पालेकर कृषि का कुमार, ये आलू रखे ये 580 ग्राम, 580 ग्राम का ये दूसरा है। और जी ये 520 ग्राम का है, एक बार लगा के मिट्टी चढ़ाई नहीं, पराल ऊपर ढकी अच्छा दन किया उससे बुनिया। ये 520 ग्राम का दूसरा देख लो, तीसरा चौथा हो गया। फिर ये 530 ग्राम, ये आलू इसको उठा कर रख लो एक तरफ। आलू ये 420 ग्राम का है। इसके बाद ये आलू है और इसका वजन 490 ग्राम है। बहुत ही बढ़िया पैदावार, किसान के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, अच्छा धन। बहुत ही गजब तकनीक निकल ली। ये 420 ग्राम का ये आलू है, देख ले इसका साइज। ये पुखराज ब्रेटी है पंजाब की, और जो बीज लिया था एक रसायन वाले से लिया था, पर इसमें एक साइज ये है, ये कितना लंबा है, और इसका वजन भी 430 ग्राम है। इसमें एक एकड़ में ये 440 ग्राम का है। गन जीवामृत, जीवामृत दिया और पुराण से अच्छा धन किया। ये कर लीजिए, इसका वजन 470 ग्राम है। ये फिर उससे छोटे साइज में आएंगे, ये 430 ग्राम। जय गुरुदेव, जय
सुभाष पालेकर, पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि का कुमार, 370 ग्राम। फिर ये अगला साइज, ये भी 430 ग्राम का। फिर ये आलू है, ये आलू रख दिया, इसका वजन 420 ग्राम है। और ऐसे ऐसे बहुत आलू है हैं जो 250 ग्राम से ऊपर ऊपर 300, 350, 400 ये रखे, बेड बना के लगा रखे, ऊपर पुआल ढक रखे है। और टेस्ट इतना है इसमें गजब, 30 रुपये के रेट में हम दे रहे 30 रुपये किलो आलू, बहुत बढ़िया। जय डॉक्टर सुभाष पालेकर, पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर की जय हो, गौ माता की जय हो। सभी किसान साथियों से नम्र निवेदन है, पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि SPA पत्ती से खेती करें, इसमें फायदा ही फायदा है। अगर ये वीडियो खेत में जाकर बनाई जाए तो सरसों बहुत तगड़ी है, आलू है, लहसुन है, हर तरह की सब्जी लगा रखी थी, ब्रोकली, गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी और ईख भी 24 बेडों पर ईख से साथ में सह फसली, चना, मसरी, मेथी, मटर सब इसके अंदर है एक एकड़ में। पशुओं के लिए चारे में जई भी है, बरसी भी है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है सुभाष पालेकर कृषि अपनावें, जहर मुक्त, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और जन आंदोलन का हिस्सा बने, जहर मुक्त बनावें देश को भी और कंज्यूमर तक सीधा पहुँचें। हम बीज का दलाल को नहीं देते, सीधे कंज्यूमर को देते हैं। गाजर 30 रुपये किलो, फूल गोभी 25 और आलू 30, मूली 20 दी थी, सब कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं हम बाज़ार में, अपने 15-20 ग्राहक बना रखे हैं। अगर नए जुड़े हैं कम नहीं होते, जो एक बार खा ले दोबारा इसकी मांग करता है। जय सुभाष पालेकर की, जय गौ माता की जय।